हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे भगवान की दुआ से दोस्तों। और अभी अगर हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आता है नोटिफिकेशन बेल उसको भी दबाना, ऑल पर सेट कर दो, और वीडियो जब भी हम भी अपलोड करेंगे ना दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा दोस्तों। और हमारा दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, और मतलब थोड़ा सर्दी जुकाम लग गया है, बहुत शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमको लग रहा है, उसके लिए हम सॉरी कहना चाहूँगा दोस्तों। और आज का राइड हम बिल्कुल निकाल जाएंगे, कहाँ से आज होने वाला है, आज जाएंगे होसुर रोड जी, बिल्कुल हम जाएंगे होसुर रोड को और आज का राइड को शुरू करेंगे। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे ना, लाइक करना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, ठीक है? बहुत सब के लिए हम मेहनत कर रहे हैं यार, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहना, और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो करना। तो चलिए हम बिना देर को हम राइड को शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हम मोबाइल को सेटअप करते हैं। सेटअप करते हुए एक लड़का आप देखे होंगे बाइक में निकल गया, ट्रैफिक लगा हुआ फिर भी निकल गया, लेकिन इसका तो खैर छोड़ेगा नहीं कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या ना, तो बेंगलोर सिटी में आप छूट मिस नहीं होंगे, क्योंकि हर ट्रैफिक जगह में सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप अगर खाली आप चल गए, क्या अगर लाल बत्ती है तब तक आपका चालान काटेगा ही काटेगा। और ये तो किस तरह से चालान होने वाला है इसका मालूम है? ऑनलाइन इसका चालान जाएगा, इसका वीडियो रिकॉर्ड होगा, और वीडियो रिकॉर्ड करके उसका मोबाइल रजिस्टर जो मोबाइल है उसी में उसको चालान किया जाएगा, कि किस जगह पर कितना टाइम पर, और आप हैं कि नहीं है, आपके वीडियो क्लिक के मतलब वीडियो क्लिक के साथ आपको भेज दिया जाएगा कि आप कहाँ पर ट्रैफिक जाम किए हैं बोल के। ऑनलाइन दोस्तों यहाँ चल रहा, तो आप बिल्कुल ट्रैफिक को ऐसे फॉलो मतलब बैक आइन के हिसाब से आप उसको मत समझिए, उसका रूल फॉलो कीजिए। रूल हम ही लोग के लिए है, क्योंकि हम ही लोग फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, और आपका रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो आपको ऐसे ऑनलाइन एक ही बार में आपको 10-15 कितना चालान हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। बाद में आपका मैसेज देखते रहना कि हाँ यहाँ पर हम सिग्नल जाम के इतना फाइन हो गया, उतना फाइन हो गया बोल के सोचते रहेंगे। और चलिए तो जब तक हाँ जी बिल्कुल सिग्नल खुल चुका है, चलिए हम अब अभी जा सकते हैं बिल्कुल, इतना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा वो आदमी रुक नहीं सका, लेकिन उसके लिए क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं, उसको इमरजेंसी है शायद, और उसको अब पैसा भी ज़्यादा होगा, उसको इंतज़ार कर मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ तो निकल गया है। उसके लिए हम उसका मन की बात हम नहीं बोल सकते, वो क्या करने वाला है छोड़िए वो, खैर हम चलते हैं कहाँ, होसुर रोड जाएंगे दोस्तों। आज का राइड जो होने वाला है होसुर रोड में होने वाला। चले दोस्तों, ये होसुर रोड में तो शायद हम बहुत सारा मोटो ब्लॉग बनाए, शायद आप देखे नहीं होंगे, अगर नहीं देखे हैं जो भी हमारा न्यू व्यूवर्स है, आप जाके अब हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, आप होसुर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी बहुत सारा हमने मोटो ब्लॉग बनाए हैं दोस्तों, आप जाइए देखिए। और देख के इंजॉय कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना दोस्तों, लाइक करना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना बोले दोस्तों, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, आपका सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। और दोस्तों जी, हम भूल गए आपको बोलने के लिए, हमारा जो सब्सक्राइब आ रहे हैं अभी, मन के चलिए 2 दिन में 1 सब्सक्राइब आ रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बोलिए कि बेंगलोर राइडर को सब्सक्राइब करिए, पूरा बेंगलोर घूमता है बेंगलोर राइडर, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे यार। जब सब्सक्राइब करेंगे ना हमें मोटो ब्लॉग बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिलता है, पूरा कर्नाटक घूमेंगे दोस्तों, मालूम है ना, एक बार हमारा चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा ना पूरा कर्नाटक घूमेंगे,
अभी तो बस बेंगलोर शहर, बेंगलोर में हम घूम रहे हैं। बाद में बेंगलोर बहुत सारा ऐसे शहर, पूरा कर्नाटक घूमेंगे दोस्तों, और आपको दिखाएंगे एक एक शहर करके, छोटा बड़ा जितना भी शहर है ना सभी आपको हम दिखाएंगे। बस एक बार हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तब तक हम बस आजू बाजू घूम रहे हैं, और उस टाइम घूमेंगे तो पूरा मोट क्या बोलते हैं उसको, गोप्रो लेंगे दोस्तों, गोप्रो लेंगे, बाइक लेंगे, पूरा कर्नाटक घूमेंगे, आपको पूरा कर्नाटक के एरिया दिखाएंगे, वहाँ के हर चीज़ दिखाएंगे, उस एरिया के बारे में बोलेंगे। और हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल हसू रोड, बिल्कुल ये हसू रोड है, ये जो हसू रोड गया है, कहाँ गया, हसूर मतलब तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन इस यही हाईवे पकड़ के आपको तमिलनाडु जाएंगे ना हसूर, तो यही रोड आपको पकड़ना, दूसरा रोड नहीं है, ये बिल्कुल हाईवे है। और इसके आगे में, बहुत आगे में आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी पार होने के बाद आपको एक टोल प्लाजा भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, ट्रैफिक तो भर भर के था, छोड़ो यहाँ एक ट्रैफिक आने वाला है दोस्तों। ओके चले, ट्रैफिक है तो हमें रुकना पड़ेगा। और ओके देखिए दोस्तों, दो बेवड़ा का मुंह लग रहा, और दूसरा बेवड़ा जो कुत्ता को साला गाली दे रहा, और वो आदमी को भी गाली दे रहा, थोड़ा क्या टकरा गया वो, मतलब ऐसे मजाक करा शायद होगा। हम लाल कलर का पट्टी दिए हैं, देख सकते हैं हम दोस्तों, लाल कलर में हम उसको थोड़ा सा राउंड मार दिए, वही आदमी कुत्ता से बात करा और गाली भी दे रहा, सब सुबह सुबह पी लिया बताए, छोड़िए उनके बाद, हमारा सिग्नल खुल चुका, जल्दी हम निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कार वाला हमारा सिग्नल खुल चुका, लेकिन एंट्री मारा, ये गलत बात है, क्योंकि ऐसे ही लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। अगर बाइक वाला जितना भी जिस स्पीड से उन लोग निकल रहे हैं ना, उस स्पीड में लेकर अगर उसको टकरा भी जाए तो वो कार वाला कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि गलती उसका है। ट्रैफिक खुल चुका है, वो एंट्री मारा, ये गलत बात है। हम लोग का ट्रैफिक खुल चुका है, उसको सोचा और थोड़ा सबर नहीं हुआ, और उसको किस ध्यान में था पता नहीं है। चलो दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट अगर आप जाएंगे तो आप मारथाली भी जा सकते हैं, और सीधा जाएंगे तो उधर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ चल जाएंगे, लेकिन हम मतलब ब्रिज के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ब्रिज के ऊपर जाने के यही फ़ायदा है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सीधा जाके उस पार में पहुंच जाएंगे दोस्तों, और नीचे जाते हैं लेफ्ट साइड में तो वहाँ ट्रैफिक हमें मिलता, ट्रैफिक में कितना लेट होता है कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम ऊपर ब्रिज के ऊपर चल गए। और लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं उसको, सेंटर सिल्क बोर्ड जिसको बोलते हैं, सेंटर सिल्क बोर्ड, वही वाला ब्रिज है ये। और लेफ्ट साइड में बस स्टैंड भी है, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ ऊपर से, अगर गोप्रो होता तो हम इधर उधर घूम के दिखा देते हैं, लेकिन गोप्रो नहीं है हमारे पास, साइकिल में मोबाइल पूरा फिक्स कर चुके हैं दोस्तों। और राइट साइड में आप देख सकते हैं एक मेट्रो भी आया है, ये जो मेट्रो है ये आपका उधर जयदवा बनसाखरी उधर कहाँ गया है, जयनगर गया है, जेपी नगर नहीं है, हाँ जेपी नगर भी थोड़ा सा एरिया में है, वही वाला मेट्रो आया हुआ है उधर से, ये कनेक्ट होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी बमसंदरा, कौन कौन सा एरिया बहुत उधर जाने वाला है। जब चलेगा मेट्रो तब उस टाइम भी आपको एक मोटो ब्लॉग करके दिखाएंगे मेट्रो में, कि वो वाला मेट्रो कहाँ से कहाँ जा रहा बोल के, पूरा फास्ट से लास्ट तक हम उसका भी हम मोटो ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों मेट्रो में, वो भी आपको बस करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। चलिए दोस्तों, हमारा ओवरब्रिज ख़त्म होते जा रहा, डाउन है, लेकिन साइकिल में हमारा थोड़ा ब्रेक थोड़ा कमज़ोर है, उस हिसाब से हम बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं, लेकिन हमें जाना था कहाँ, उस पर जाना है राइट साइड को, और अपना रूम चल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हम मिस कर चुके हैं, लेकिन हमें अब बहुत दूर जाना पड़ेगा, तब जाके राइट साइड को घूम सकते हैं, वहाँ सी यू टर्न लेके राइट लेंगे तब जाके
राइट साइड को जा सकते हैं, क्यों बीच में देख सकते हैं ये सब दिया गया है, तो हम कैसे पार होंगे यार, ना लेफ्ट को जा सकते हैं ना राइट को जा सकते हैं, बस इसे हाईवे में ही चलना है। कोई बात नहीं दोस्तों। और एक दोस्तों आप देखिए आगे तरफ शायद आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का साइन बोर्ड, शायद आप वीडियो पॉज करके आप देखेंगे तब जाके आपको दिखाई देगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कन्याकुमारी जाना स्ट्रेट जाना, सालम जाना स्ट्रेट जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स जाना स्ट्रेट जाना, मतलब आगे तरफ आप जैसे ही जाएंगे तो आपको तीन तीन जगह दिख रहा, कन्याकुमारी सलेम इलेक्ट्रॉनिक सिटी। जी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो बाजू में है, ज़्यादा दूर में नहीं है, लेकिन जो सलेम और कन्याकुमारी है ये बिल्कुल आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा, वो सबसे दूर है। तो यही हाईवे पकड़ के जाना पड़ेगा, साइन बोर्ड यहाँ पर दे दिया है, आपको अगर नहीं दिख रहा तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलो दोस्तों और थोड़ा आगे हमें जाना है, दोस्तों यहाँ इतना भीड़ लगता है ना दोस्तों, आप इधर से उधर जा भी नहीं सकते, इसलिए हम पूरा साइड में आके राइड कर रहे हैं, देख सकते हैं पूरा साइड में। हमको जाना था उधर लेफ्ट साइड, नहीं लेफ्ट उसको नहीं जाएंगे, राइट साइड हमें यू टर्न लेना है, तो हमें इजी होगा यू टर्न लेने में, इसलिए हम राइट में थे लेकिन फिर लेफ्ट आ गए। देखेंगे आगे जाके जैसे ही हमें खाली मिलेगा वैसे हम राइट को ले लेंगे, क्योंकि राइट जाने के बाद ही हमें राइट साइड इजी होगा यू टर्न लेने के लिए, राइट यू टर्न लेने वाले हैं हम। क्योंकि ये दोस्तों देखिए ऐसे हाईवे में इस तरह से जंप करते हैं लोग और इधर उधर क्रॉस करते हैं, क्यों पता नहीं। और इधर जो आप राइट साइड में देख सकते हैं दोस्तों ये फ्लाई ओवर है, वो बिल्कुल आप जाके कहाँ जाएंगे मालूम, बोमसुंदरा में जाके उतरेंगे, इतना दूर है फ्लाई ओवर दोस्तों, नीचे में नहीं पूरा फ्लाई ओवर ऊपर ऊपर हम जाएंगे। हमारा थोड़ा जुकाम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा थोड़ा खांसी निकल रहा है, क्या करेंगे यार, धूप में घूम रहे जाके ठंडा पानी पी रहे तो तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। आपके लिए फिर भी हम मेहनत करते हैं, आप जो एक हमारा वीडियो को सब्सक्राइब हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सब्सक्राइब कर दो ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से लेंगे यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद अपना रूम चल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा भी कमेंट कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलें। चलिए यहाँ अपना राइड को हम बंद करते हैं, ओके। दोस्तों आप थोड़ा गौर से देखिए आगे तरफ दो तीन लड़कियाँ हैं, देखिए ट्रैफिक में भी सेल्फी लेने के छोड़ नहीं रहे यार, कैसे कैसे लड़के हैं यार यहाँ पर ट्रैफिक में से सेल्फी लेना। तो छोड़े से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।